लड़ाई हो गई है सुबह सुबह कंट्रोवर्सी। मैम किस बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है आपकी? ठंडा पानी बन रहा है अभी ऊपर। तू मत पियो। मैं पीने के लिए नहीं, ऊपर जाऊंगा तो गर्म हो जाएगा। चलो सिम्बा चलो ऊपर छत पर चल रहा है। चलो आओ आराम आराम से चलना, आराम आराम से चलो सिम्बा। ये नहीं चलना तेज तेज, धीरे चलने को बोला था मैंने। तेज तेज चलने लगा तुम जोर जोर। ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है सिम्बा। नीचे आ जा, बाहर करने बदतमीजी कर ले तुम। मैंने कहा ना धीरे धीरे चलना है, मैं लेकर नहीं आऊंगा आगे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी सुबह सुबह नहीं, हेलो 11 बज रहे हैं। बॉटल रख दूं पहले, कैसे रखूं इसे? हम आए सुबह सुबह, पता नहीं क्या करने आए हैं, मेरे को खुद नहीं पता। मेरा पापा ने मुझे था, मैं सबको दिया है ऊपर। भैया आ जाओ, कितने सारे पेड़। जैसी गर्मी आ रही है ना, पेड़ फिर से होने लगे हरे भरे। सर्दियों में बुरा हाल हो गया था इनका। सिम्मा यहाँ आती करेगा सुसु। मैम ये लेकर आई है नजर बट्टू, सेम अपनी यही शक्ल का। और भाई हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, कल आ गई थी ठीक होकर। तो जो लोग इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा स्टोरी डाली थी मैंने। वो देखो पापा को नहीं जाने दे रहे, इधर आओ। वो तो पापा को घेर के बैठे हुए थे सारे के सारे, पूरी फैमिली। और भाई ये रही हमारी कार, एकदम ओके रिपोर्ट। सिब्बू सुसु नहीं करी तुमने अभी तक? सुचू कर लो, कोई नहीं के देख रहा तुम्हें। कर लो यहाँ, कर लो सुचू। तुम करते हो ना यहीं पे, करता है सुसु। हम करने के आए थे ये तो पता ही नहीं। ओ तोड़ दिया तुमने, अनार थे ये? हाँ सिमी देव कहाँ घुस गया? देखो गंद खा रहा है, गंद खा रहा है ये। बाहर आओ, दो गंद खाना है मम्मी, दो गंद खा रहा है ये। टमाटर वमाटर लग गए हैं यहाँ पे, और बैगन अभी तोड़ के ले गए थे पापा सुबह सुबह। ये क्या आम है? ये सारे आम बनेंगे? हाँ भाई ये देखो ये आम है। टमाटर वमाटर सब लग रहे हैं। हाँ मैम आपने बहुत ध्यान रखा है ना, सुबह 5 बजे उठ के आप इनकी केयर करते हो, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपने बहुत अच्छा काम करा है। लच्छा ने पूरा सहायता दी है ये काम करने के पापा के साथ। लच्छा और पापा सुबह 5 बजे खड़े होकर आते थे, तो पापा को तो पता है मुझे आते थे, लेकिन इसका मैंने कभी देखा नहीं है। चाहती नहीं थी कि इसको अप्रिसिएशन मिले, ये चाहती थी ये काम करे लेकिन किसी को पता ना लगे। मैं भैया से बोलती हूँ चलो चलो चल। कोई गुलाब वो तोड़ लो, वो बनाएंगे, तू पीस बना लो गुलाब जल। छोनी क्या हो रहा है वहाँ पे? छोनी खुश हो गई है, बहुत दिनों बाद ये छत पे आया है, खुश हो गया। ये अमरूद खाया कहाँ लेकिन इसमें? भाई बहुत सारे पेड़ है, लेकिन मैंने जो बोला था ना वो पेड़ नहीं लगाया, स्ट्रॉबेरी का। मेरा बड़ा मन था। हाँ ये अनार ही तो है, मैं इससे कह रहा था अनार रहे हैं। तो कह रही नहीं, अनार आप उसमें खेले थे जो बेल जाती है। तुम यहीं रहना, तुम यहीं खेलो, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, जाओ हम तो जा रहे हैं। बाय बाय। हाँ अब आएगा। तो इस वाले रूम में आए कि एसी चला दो मेरे लिए, अभी बिल्कुल एसी की आदत नहीं डालनी तुम्हें। अभी गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है ढंग से। भाई एसी की सर्विस हो चुकी है, आज सर्विस करा ली, क्योंकि रात को थोड़ी थोड़ी गेट लगा मच्छर भरेंगे। अच्छा भूल जाएगी तू, 50 बार आती लेकिन मैं एक बार ही बोलता हूँ, उसमें तुम्हारी जान निकल जाती है। एसी की सर्विस करा लिया क्योंकि भाई गर्मी लग रही थी। मतलब एसी चलाएंगे लेकिन पूरी रात चलाएंगे, थोड़ी देर चला के बंद कर देंगे, क्योंकि अभी एसी वाला माहौल है नहीं, क्योंकि फिर ना बहुत गंदी आदत हो जाएगी। और जी अभी मैं नीचे आया, मैं नहा रहा था, नहा के बस निकला तो देखा सारी बच्चा पार्टी गायब थी। मुझे लगा नीचे है लेकिन ये गेट ही बंद था। बेचारे सारे बाहर थे गर्मी में। और मेरे बच्चों गाड़ी नीचे, कोई कहीं कल्लो कहीं, कोई कहीं। मैंने ना ये बाल्टी रख दी है क्योंकि बहुत सारे होता ना ये छोटे छोटे बाउल में, इनका होता नहीं। हाँ मेरे बच्चों गर्मी लग गई, तुम इधर सो जाओ। दादू कल्लो ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है, इसने पेडिग्री खा लिया है, तो इसने जो अपना वो नहीं आता हरे कृष्णा वाला वो इसने छोड़ दिया है। अब ये भी पेडिग्री खाती है, और पेडिग्री छाट छाट के खाती छोटी सी बच्ची। चलो कुछ तो खा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कमरा खोल देते हैं क्योंकि गर्मी हो गई है, ऑलमोस्ट गर्मी आ ही गई है, इससे खोल देते हैं। हाँ यहाँ ठंडा है भाई, तो इसको बच्चे पार्टी यहाँ लेट जाएंगे। पार्टी आ जाओ इधर आ जाओ, कोई सा भी नहीं आ रहा। भाई फैन चला दिया यहाँ पे, लाइट बंद कर दूंगा। अच्छा आ जाओ भैया यहीं बैठ, आ जाओ देखो अब सब आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, पांच कौन आएगा? अब सब आ गए। हाँ गर्मी लग रही है मेरी छोटे छोटे बच्चों को, इतने पाले पाले बच्चों को मेल। बदबू आ रही, तुमने क्या खा के आ गई ये बता दो मुझे। तेल में से भी आ रही, तुम कुछ गंदे खा के आ रहा है। भाई बच्चा पार्टी में से आ रही है, बड़ी गंदी स्मेल, इन्होंने कुछ वही खाया फिर, क्योंकि भूरी में से भी आ रही थी। अब इनका नहाने का नंबर मुझे लग रहा लगाना पड़ेगा। और अब तो गर्मी भी है, अब तो ये नहाएंगे नहाएंगे, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही ज्यादा आ रही। इनू कर लो यहीं पे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। देखो चिया बैठी अपने घर, अब गर्मी आ गई ना, अब चिया यहीं बैठी रहेंगी। यहाँ देखो कौन बैठा है, आलसी लोग। सिम्मू भी एरी हमारी, देखो वो देखो उन्हें देखो, उसे पता लग गया ब्लॉग चल। आ क्या यार अटैक करता सीधा मेरे ऊपर। हाँ देखो उसे पता लग गया, हमने बातें करी थी वो उसने सुन लिया। हमने सोचा था कि सिम्बा को आज जो है हम नहीं नहीं करा दें, तो सिम्बा ने सुन लिया वो बात, और गर्मी भी भाई आई गई है, तो आज सिम्बा को नहीं नहीं करा ही देते हैं। मैम रेडी हैं आप? कहाँ जा रहे हो आप? सिम्बा से जरा पूछ तो ले। हम नहीं करनी आपको? इधर आओ, इधर पद्दी आओ,
पद्दी भी आ गए हैं, किसियां भी हो गई हैं, तो इसका मतलब सिम्बा को करनी है नहाई नहीं। चलो नहाई नहीं करेंगे भाई, सिम्बा फुल चार्ज हो चुका है नहाने के लिए। हम लिखाएंगे सिम्बा को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सही धूप वूप है ना, तो यही नहालेगा। टॉवल ओवल उड़ गया, जादू लग रहा है जादू। देखो सिम्बा कैसे तैयार होके बैठ गए, इसे बड़े मजा आते गर्मी में नहाने में। देखो जरा मस्ती चल रही है इनकी, सबके पास बैठ गए हैं और हमने यहाँ पे पन्नी पहना दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम करा लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करा, बस यहाँ आके बैठ गई हैं। और ना मैंने बोला इसे नहलाने के लिए, तो लोग ये ना सोचे कि ये नहला रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं खुद नहलाता हूँ सिम्बा, कभी भी इसे बोलता नहीं कि ढंग से नहला नहीं पाता। सिम्बा फाइनली रेडी है नहाने के लिए। पहला ओए होए होए होए, सिम्बा कह रहा हूँ वाओ, मैं तो बड़े मजा आ रहे हैं। गर्मी में ऐसा होता है सिम्बा को नहाना, मेरे को तो डेली नहला दो तुम। और भाई सिम्बा को जो शैम्पू ना, इसकी इतनी बढ़िया खुशबू है, और इसमें एक शैम्पू है केराटिन वाला, वो खुशबू इतनी जबरदस्त है, इसकी बहुत सी खुशबू है। अब बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। देख लो कितने प्यार से नहाता है भाई, नहाने में कोई ड्रामा नहीं करता, जैसे बोलते रहोगे वैसा करता रहेगा। तो कितनी प्यारी पूरी शक्ल बना रखी शक्ल देख लो, शक्ल देख लो छोटे बाबू की। ओहो 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 ओहो, कितने मजे आ रहे हैं, कितने मजे आ रहे हैं छोटी सी बच्ची को। नींद आ गई क्या सिम्बा? देख लो आपका लड़का कैसे नहा रहा है मजे मजे में। टाइम बंद आ रहा है, लास्ट हमने कब दिसंबर में लाया होगा, महीने तो हो गए बिना नहाया, तो बहुत ज्यादा खुजली भी कर रहा था। अगर आपके पास डॉगी तो कमेंट करके बताओ कि आपका डॉगी भी इतने प्यार से नहाता है। बाकी मेरे को जितने भी कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि भाई हमारा डॉगी तो भाग जाता है और सिम्बा तो कितने प्यार से नहाता है। तो भी देख लो भाई, हमारा सिम्बा तो ऐसे ही है प्यारा सा छोटा सा बाबू छोट मोटू चा, कितने मजे आ रहे नहाने में। ऑलमोस्ट सिम्बा नहा ही चुका है, बस अब बस पानी गिरना और जब ये नहा लेगा फिर अंदर जाके तहलका देखना इसका कि क्या तहलका मचाता है। और मैं बैठा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, मैं व्लॉग बना रहा था और आप लोगों को भी बहुत कमेंट आते कि भैया सिम्बा का नहाने का व्लॉग बनाओ, तो इसलिए वरना नहलाता मैं ही हूँ सिम्बा को जाकर। कभी आप सोच रहे हो कि ये लड़की नहलाती है, ये बिल्कुल ही नहलाती है। एंड मैं ना ये सोच रहा हूँ कि गर्मियों में ना गंदी वाली गर्मी आ जाएंगी ना, स्विमिंग पूल लेके आएंगे सिम्बा की मस्ती करवाएंगे। भाई देखो पानी हमेशा ऐसे कान बंद करके डाला करो मुंह पे, क्योंकि इनके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। मैंने कॉटन भी लगा दी थी तब भी वो निकल ही जाती है। कानों में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए डॉग्स के नहाते टाइम। नहाए नहीं है अभी, नहाए नहीं है, भागना नहीं है, आराम से वो क्या होता है, आराम से हाँ कर लो, पहले कर लो। ये तो मतलब कंपलसरी है, सिम्बा जब भी नहाता मैं पता होता ये सब करेगा ही करेगा। देखो भाई कितनी देर में इसके हेयर ड्रायर हुआ है, अब इसके कंघी हो रही है। आधा घंटा हो गया होगा ना, मैं आधा घंटे से ऊपर हम हेयर ड्रायर से करे जा रहे क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज सिम्बा पूरा रिलैक्स होकर सोएगा, जब ये नहाता ना तो पूरे दिन सोता है। अभी मेरी नहाई नहाई भी हो गई है और मैंने जय जय भी कर लिया, साथ में सिम्बा ने भी जय जय कर लिया। सिम्बा टीका दिखाओ अपना, यहाँ बैठा था टीका दिखाओ, सिम्बा ने टीका लगाया। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्होंने जय जय कर लिया, जो गंदे गंदे हैं वो अभी तक नहाए नहीं है। हेलो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, तो आपने कुछ भी नहीं करा था। मम्मी ने आज कलर लगा रखा है, मम्मी आज कहीं जा रही हैं और अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही है। देख लो मम्मी पापा घूमने चले जाते हैं, बच्चे घर पे छोड़ घर पे मेरी बच्ची के साथ कौन रहेगा, छोटी सी बच्ची के साथ फिर क्यूटी पाई सी। अच्छा अकेले गए छोड़ दूंगा सुंदर सी बच्ची को, चलो इससे पूछो तू चल रहा है, मेरे से पूछना है तू चल रहा है तो चलूंगा वरना नहीं जाना। मैं यहाँ पे सिम्बा को कैप पहनाई जा रही है और फोटो क्लिक करी जा रही है, फोटो शूट। शिबू ने पहन ली कैप, ओए होए भैया की कैप किसने पहनी है। शिमू स्टे, बाबू स्टे, चिमी ओए मेरी कैप मत काट, भैया की कैप है, भैया की बाबू, भैया की कैप, बस 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 अच्छा नहीं मत पहनाओ उसे अच्छा हाँ अब खाना ठंडा हो रहा है बाबू, ठंडा हो रहा है खाना, मैं खाना उधर लगाऊं तो कह रहे भाई ये फालतू की हरकत मत करो, खाना ले दो मुझे पहले। वो देखो खाने में नजर है कि ठंडा हुआ नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ, मैं ले जा रही हूं बाबू, अभी ठंडा नहीं हुआ, कर दियो थोड़ा सा फूक मारते इसके सामने से लेकर ठंडा कर रहे हैं, गर्म है अभी बहुत ज्यादा यार, मैंने देखा था। भाई अभी मम्मी और मैं जा रहे और हमने सिम्बा को कोई भाव नहीं दिया कि इतनी प्यारी शक्ल बनाता फिर कि हमारा मन ही नहीं करता इसको छोड़ के जाने का, तो हमने उसे इग्नोर करके मम्मी और मैं कहीं जा रहे हैं, कहीं क्या मतलब यहीं पास तक जा रहे हैं जहाँ पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहीं जा रहे हैं। और हाँ बता दूं गाड़ी तो बिल्कुल ओके हो ही गई है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, और जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा पैसे लग गए हैं, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि अभी मैंने इसमें अच्छा खासा इसमें अमाउंट लगा था और फिर खामा खाका पैसे, आपको पता होना कि पैसे लगने हैं तो मन करता है, और जब पता हो कि खामा खा के पैसे लगे तो बहुत दुख हुआ मुझे,
लेकिन ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, हो सकता था कि बहुत बड़ी चीज होती वो इसमें टल गई। कज्जो और चमेली है, कज्जो आओ। मतलब ये पूरा घर छोड़ के इन्हें गाड़ी के नीचे सोना है। मम्मी डरा धमका के इन्हें लेके, मैम गेट बंद कर दो फिर आएंगे ये पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल से ये बच्चा पार्टी अंदर जाती है। और भाई गाड़ी दिखा देता मैं आपको, देखो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गई ना। लेकिन मेरे दिल ओके की रिपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। मुझे जबरदस्ती बुलाई लिया, मेरा मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं फटी हुई निक्कर पहन रहा हूं। खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहन गए, मेरी निक्कर यहां से फट रही है यार। इतने गंदे कपड़े पहने, कम से कम आपके कपड़े सही सलामत तो हैं। मैं घर में भाई ऐसे कपड़े पहनता हूं फटे पुराने, मेरे को नहीं अच्छा लगता, गर्मी लगती है। मैं सोच रहा सिम्बा की फ्रेंड मिल जाए लेकिन मिली नहीं, आओ पता नहीं कहां होगी। गर्मी, शाम को मम्मी पापा जाएंगे, हम मैगी पार्टी करेंगे। अभी मम्मी आप खुद ही बोलती कि मैगी वैगी बना लेना। मैं तो नहीं बोलती भाई, देख लो मेरी कार जैसे ये रॉन्ग साइड से आ रहे ना, ये ऐसे इंसान, ये देखो ये भी आ रहे रॉन्ग साइड से, ये इसीलिए हुआ था। फिर भी नॉर्मल स्पीड में आ रहा, वो बहुत ही तेज स्पीड में था, मैं पूरा पार भी नहीं कर पाया था। तो सही पार कर दिया, करने को तो मैं पार करने ही निकला था उसे, लेकिन फिर वही वाली बात थी, लेडीज साथ में थी, कोई लेट गए वो रोड पे। मैं छोड़ा यार होली खराब होती काम, चलो जो हो गया हो गया। ये गाड़ी लेके रोंगा भाई, देखो ये भी यहाँ पे भी रॉन्ग साइड में ये ही होता है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता जरा सा वहां से मुड़कर आने में क्या दिक्कत होती है, और सेम रोड है। चलो जी हो गया जो हो गया, गाड़ी अपनी ठीक हो गई और किसी को चोट वोट नहीं लगी, तो यही सबसे बड़ी बात है। एंड काफी लोग इंस्टा पे जैसे मैं डालता हूँ, काफी लोग बोलते किसी को कुछ हुआ तो नहीं, तो किसी को कुछ नहीं हुआ था, बस जो हुआ था गाड़ी को ही हुआ था। यहाँ पे छोटी सी मुझे डॉगी मिली है, आ जा ले 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 बेचारी, लो लो लो। अच्छा डरो मत, डरो मत, ये ले, अभी जब देखेगी ना बाद में खा लेगी। बच्चा पार्टी तुम बाहर नहीं जाओगे, जो ये सारे सो रहे हैं। चिल्लड़ मेरी सारी सो रही है भाई। कल मैंने वो रूम खोला था, ये वाला अपना रूम, सबको बाहर लेटना था, मैंने पंखा भी चलाया, किसी को नहीं लेटना, सबको बाहर ही लेटना, सारी जानकारी रखनी है। देखो मैंने गिफ्ट पैक कर दिए थे, ये तीन गिफ्ट थे, और लच्छा ने भी थोड़ी बहुत सहायता करी थी लेकिन ये कम दिमाग लगा रही थी अपना। एंड मैम और मैं घर पे ही रह रहे हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं, तो हम रात को करेंगे मैगी पार्टी। तो बेटा यही बोलती कि भैया मैं क्या बनाऊंगी, मैगी बना लेते भैया, मैगी खा लेते। नहीं हां भैया कंट्रोवर्सी चल रही है। तुम्हें क्या हो गया? मम्मी आपको वहाँ पे कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना, चली जाओ, पापा तो रेडी भी हो गए। मैं भी हो गई। सिम्बा तुम भी चले जाओ मम्मी के साथ, मम्मी जा रही हैं। सिम्बा को पागल बना दिया आपने कि लेके चलूंगी लेके चलूंगी। चलेंगे मम्मी, वहाँ से खाना पैक करा के ले आना मेरे लिए। देख रहा कि हमारी गाड़ी तो नहीं लेके जा रहे, कभी हमारा दूध कैंसिल हो जाए। सिम्बा चेक करा कि हमारी कार तो नहीं जा रही, कभी दूध लेना कैंसिल हो जाए यार। पता लग गया कि ये कोई आया है। ले जाओ कज्जो को, ले जाओ हमारी कज्जो, इधर आओ। Is this